Good morning, class fifth. Today in English, we will continue the lesson number three. The name of the lesson is the Tigers Whisker. In previous video, we had read that Yun Ok went to the hermit and she asked him to make a potion. Then the hermit told her to bring the Tigers Whisker. So she went to the cave of the Tigers and she snipped off whisker, Tigers Whisker. Okay. So today we will continue the lesson.

फायर बर्निंग इन हिज कॉटेज हरमिट विश्का को लेकर उसकी कॉटेज में जो जलती हुई आग होती है उसमें डाल देता है ओ सर द यंग वुमेन क्राइड वॉट हैव यू डन आई हैड गॉट इट आफ्टर सो मच एफर्ट वुमेन बोलती है ओ oh, सर आपने ये क्या किया मैं ये बहुत मुश्किल से लेकर आई थी टेल मी हाउ यू गॉट इट सेट द हरमीट हरमिट बोलता है मुझे बताओ तुम ये कैसे लेकर आई Every night, I went to the tiger living on the mountainside. I would take with me a bowl of food, but I was afraid and kept a good distance from the tiger. By and by, I overcame my fear and went a little closer At last, one night, the tiger ate the food I had bought for him. Then a time came when he would stand on the trail waiting for me. he would eat out of. द बाउल इन माई हैंड एंड देन इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू हैव वन ऑफिस मिशक्स फिर वो बताती है कि मैं हर रात टाइगर जो माउंटेन साइड में रहता है उसके पास बाउल में फूड लेकर जाती थी लेकिन मैं डरती थी और उसे दूरी बनाए रखती थी हर दिन मैं डर कम करती गई और उसके पास जाती गई और एक रात टाइगर जो फूड में लेके गई थी वो खा लिया फिर एक रात वो रास्ते में खड़े होकर मेरा वेट कर रहा था फिर वो खाना जो मैं उसे लेकर गई थी उसके लिए वो फिर से खा लिया और फिर उसे विषकर को काटने में बड़ी बात नहीं थी उसके लिए ओके सो यू वॉन्ट द टाइगर कॉन्फिडेंस थ्रू लव सेट द हरमिट हरमिट बोलता है कि अच्छा तो तुमने टाइगर का कॉन्फिडेंस अपने प्यार से जीता है यस yes. बट नाउ ऑल माई अफोर्ट हैज कम टू नथिंग सेड यून ओके वेरी सैडली यू हैव थ्रोन द विश्क इन दी फायर वुमेन बोलती है बहुत उदास होकर हाँ लेकिन अब क्या मतलब मैंने जो मेहनत की उसको आपने जला दिया आग में यू हैव नो नीड ऑफ अ पोर्शन नाउ सो द विश्क वॉज यूजलेस यून ओके आई आस्क यू अ क्वेश्चन इज अ मैन मोर फेरोशियस देन अ टाइगर इफ यू कैन विन The love and confidence of a wild beast, you can surely do the same with with, with your husband. There can be none who can't be won through love. कैन बी नन हु अब कोई पोस्टन की जरूरत नहीं है इसीलिए वो विष्का किसी काम का नहीं था तो फिर से वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ क्या तुम्हें लगता है कि एक आदमी टाइगर से ज्यादा डेंजर है तो वो बोलता है तुम अगर एक जंगली जानवर की कॉन्फिडेंस जीत सकती हो तो तुम ये अपने हस्बैंड के साथ भी कर सकती हो ऐसी दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो प्यार से जीती न जा सके हियरिंग दिस यून ओके वॉज स्पीचलेस शी गॉट अप टच द हर्मिट फियर एंड वेंट बैक होम शी ऑलवेज केप्ट इन हर माइंड वॉर द हर्मिट हैड है ये सब सुनकर युनओ की स्पीचलेस हो जाती है और चुप हो जाती है तो वो हरमीट का पैच छूती है और वहां से अपने घर की तरफ चली जाती है और हमेशा वो हरमीट की बात को ध्यान में रखती है ओके सो दिस वॉज द स्टोरी